हेलो एवरीवन, मैं हूं सवालम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल शहजादा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस को किस तरह से एडिट करता हूं। इसीलिए मैंने सामने यहां पे लैपटॉप रखा है और कैमरा इस साइड लगाया है ताकि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। और मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ को लैपटॉप पर एडिट करता हूँ, जैसा कि आपको शायद पहले से भी पता होगा। और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर। तो अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पे चल के बताऊँगा कि कैसे मैं अपने वीडियोज़ को एडिट करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिल्मोरा 9 के इंटरफेस के बारे में, किस टाइप का इंटरफेस है, कहाँ कहाँ कौन सा टूल आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्मोरा 9 यूज़ नहीं किए होंगे। तो उनको थोड़ा सा मैं शुरू में एक्सप्लेन कर दूंगा, देन आपको वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने फिल्मोरा को ओपन किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है शुरू शुरू में। उसके बाद यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट चूज करने के बाद कुछ इस टाइप का फिल्मोरा का इंटरफेस खुलता है और कुछ ये सब जो है आता रहता है मैसेज। तो इसको कट कर दीजिए तो फिर सामने आपके कुछ इस टाइप का स्क्रीन है। यहाँ पे आपका टाइमलाइन है वीडियो का और इधर मल्टीपल टाइमलाइंस आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली टाइमलाइन एक यूज़ कर लिया, फिर दूसरे में डाला, फिर तीसरे में डाला, ऐसे करके आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। नीचे के साइड यहाँ पे ऑडियो ऑडियो टाइमलाइन है, तो इधर आप नीचे और भी बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, ऐसे जितना ऑडियो चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये मैग्नेट है, इसका यूज़ कब होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब टाइमलाइन पे एक मैंने वीडियो रखा और उसके साथ टाइम से मिला के मैंने यहाँ पे कोई वीडियो रखा कि मतलब यहाँ पे जब ये वाला यहाँ तक वीडियो चलेगा तब ये वाला दिखना चाहिए। तो यहाँ से अगर मुझे कुछ कट करके बीच में से डिलीट करना है तो ये वाला, तो ये टाइमलाइन यहाँ पे खाली हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा। तो ये वाला अगर मैग्नेट ऑन रहेगा तो ये भी इसके साथ ही आगे बढ़ेगा। अगर मैग्नेट को ऑफ कर देंगे तो ये सिर्फ ये वाला चीज़ आगे आएगा। इस टाइमलाइन पे जो भी चीज़ है ये वहीं के वहीं रखा रहेगा। तो जब जैसा यूज होता है उसके हिसाब से मैग्नेट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये अभी ऑन है, ये ऑफ है, तो उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये है ये वाला टाइमलाइन के लिए कि ये विजिबल आपको टाइमलाइन रखना है या नहीं रखना उसके लिए है। और ये लॉक है, इस टाइमलाइन लॉक करने के बाद इस टाइमलाइन में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जब हम लोग जैसे टाइमलाइन पे कुछ कर देते, मतलब कोई वीडियो एडिट विडिट करके सब कुछ रख दिया है, हम नहीं चाहते कि इसमें बाय मिस्टेक कुछ भी चेंज हो, तो इसको लॉक करके रखते हैं। उसके अलावा ये जस्ट नंबर है टाइमलाइन का, 1, वीडियो टाइमलाइन 1 और ये ऑडियो टाइमलाइन 1। इसी तरह इसमें भी लॉक है और इसको म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से ऑडियो है तो इसलिए इसको म्यूट कर सकते हैं और ये वीडियो है तो इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे, ये अंडू और रीडू का है और ये डिलीट का है, ये स्प्लिट करने के लिए सीजर है और ये बेसिकली सेटिंग्स वगैरह के लिए है ऑडियो वीडियो का। तो उसके अलावा यहाँ पे ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे मीडिया वाला है, यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड, यहाँ पे आपको ऑडियो पहले से मिल जाएंगे, वो अगर ऑडियो यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल्स वगैरह के लिए है, यहाँ पे टाइटल्स है, यहाँ पे ओपनर्स है, यहाँ पे लोअर थर्ड है, ये सब आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके बाद इधर ट्रांजेक्शन है, दो क्लिप के बीच अगर कोई ट्रांजिशन आपको यूज़ करना है तो वो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इधर इफ़ेक्ट्स है, एलिमेंट स्प्लिट, ये सब स्प्लिट स्क्रीन, मतलब एक ही स्क्रीन में 2-3 वीडियो चलाना है तो उसके लिए है। तो ये सारा बेसिक है। उसके अलावा यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं मीडिया में। तो मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए और आप जो भी अपना वीडियो फाइल है उसको इम्पोर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपने वीडियोस को यहाँ पे डाल रखा है, तो ये मेरा रॉ वीडियो है, ये 3 फाइल, इसको मैं डालना चाहता हूँ एडिट करने के लिए। इन तीनों फाइल को मैं एडिट करूँगा। इसके अलावा ये वीडियोस जो हैं इसके ऑडियो में मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ऑडियो को मैंने क्लीन करके ऑलरेडी एडिट करके ऑडियो एडिट करके मैंने रखा है, बैकग्राउंड नॉइज़ क्लीन करके और उसका जो है एम्पलीट्यूड वगैरह बढ़ा करके उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दो बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑडेसिटी वाले फाइल में जाता हूँ और इन तीनों का मैंने ये ऑडियो एडिट कर रखा है।
तो ये ओपन कर लिया, तो आप देखो नाम सेम है तो इसलिए मुझे पता चलेगा कौन से वीडियो का कौन सा ऑडियो है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें यूज़ करना है अपना इंट्रो, तो वो मैं यहाँ ये फाइल मैंने बना रखा है, इसमें ही सारा कुछ है। तो इंट्रो में जाता हूँ, तो ये तीन चीज़ मेरे को इंपोर्ट करना है, एक तो ये सब्सक्राइब वाला, उसके बाद आउट्रो और ये इंट्रो। तो ये तीनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके अलावा और मुझे क्या यूज़ करना है फिलहाल, तो अभी मुझे इतना ही ज़रूरत है, बाकी अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे। एक और चीज़ इंपोर्ट करना है साउंड इफेक्ट ट्रांजिशन के लिए, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार क्लिक करके। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रखा है, कहाँ गया ये साउंड इफेक्ट, तो मुझे सिंपली ये वाला साउंड चाहिए, तो वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके अलावा और मैं क्या इंपोर्ट कर सकता हूँ फिलहाल, मुझे अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है तो उसके लिए म्यूज़िक भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने इस फाइल में रखा हुआ है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। तो इसमें से कोई भी साउंड मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला साउंड इंपोर्ट करना है तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सारा इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा फाइल आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इस फाइल को ड्रैग करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें रखूँगा, और ये बोल रहा है मैच करने के लिए कि 24 FPS पे मैंने वीडियो शूट किया है। तो और ये मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग पहले से है 25 पे, तो मैं 24 पे करना चाहता हूँ या 25 पे, तो मैं 24 पे ही करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो इस पे है, तो इस पे क्लिक किया, ये हमारा हो गया। उसके अलावा ये हमारा वीडियो है, देखिए ये हम प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो के साथ हमारा ऑडियो है, लेकिन इस ऑडियो में जो है नॉइज़ है, तो इसलिए मैंने ये ऑडियो क्लीन करके रखा है। तो इसके साथ यहाँ पे मैंने ये ऑडियो इंपोर्ट कर लिया ऑडियो वाले फाइल, ऑडियो वाले टाइमलाइन पे। देखो क्योंकि मैंने ऑडियो को कहीं पे कट वट नहीं किया है, सेम साइज़ का है, तो इसलिए मुझे मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। तो मैं जब ऑडियो एडिट करता हूँ उस टाइम मैं ऑडियो को स्प्लिट वगैरह नहीं करता, कट नहीं करता, बस मैं उसका जो है बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह रिमूव करता हूँ और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ, साउंड लेवल बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद छोड़ देता हूँ, मैं उसको छोटा या कट वर्ड स्प्लिट वगैरह नहीं करता, ताकि मुझे यहाँ पे बार बार मतलब मिलाना ना पड़े। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ, इस वाले ऑडियो को जो हमारा ओरिजिनल ऑडियो है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके म्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे से आप डिलीट वगैरह से जूम स्प्लिट जो भी करना चाहे वो सारा कर दें, ऑडियो डिटैच ऑडियो अटैच ये सारा कुछ कर देते हैं, म्यूट वगैरह जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ खुल के आ जाता है, यहाँ पे आप क्रोमा की यूज़ करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, तो ये मुझे नहीं करना है अभी। इसके अलावा ऑडियो में इसके ऑडियो को बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं फेड इन फेड आउट ये सब कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इधर कलर्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस ये सब बढ़ा सकते हैं, 3D लट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और मोशन के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत है ये सब कर सकते हैं। तो ये सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, मतलब ऐसे मैं नहीं करता। तो इसके मैं बस इसको सेलेक्ट कर लिया ऑडियो को, इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं ये वाला कलर्स का है तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये कलर्स के लिए एडवांस कलर करेक्शन वाला खुल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप ना इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सब कुछ बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैं बता दिया हूँ बस, लेकिन ये यहाँ से मैं कुछ करता नहीं हूँ, बेसिकली मैं प्रीसेट को यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे प्रीसेट्स है, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट, थोड़े बहुत प्रीसेट पहले से थे, बहुत सारे मैंने इंपोर्ट किए हैं। ये प्रीसेट कैसे इंपोर्ट करते हैं तो ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा। ये कुछ प्रीसेट मैंने खुद से बनाए हैं, कुछ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके इंपोर्ट किए हैं, तो वो सब मैं बता दूंगा आपको। तो इन प्रीसेट्स में भी आप देखो ये यूज़ कर सकते हो, ये सब यूज़ कर सकते हो, जैसा आप अपने वीडियो को लुक देना चाहो वैसा आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं इन प्रीसेट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने अपना एक कस्टम बना रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ पे ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। देखो ये ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसको यूज़ नहीं करता मैं, ये वाला
ये मेरे को परफेक्ट लगता है, इसको बस 2 बार क्लिक करके ओके कर दिया तो ये पूरे वीडियो में देखो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब मेरा ऑडियो वीडियो सब मैच है, तो अभी मेरा वीडियो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल, वहाँ पे जाके मैं कट लगाऊंगा। और यहाँ से देखो टाइमलाइन को ना जूम आउट जूम इन कर सकते हो, तो मैं पहले थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मुझे दिखे कहाँ से मेरा वीडियो ओपन हो रहा है। ये देखूँ, तो ये वीडियो जो है ना मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन इधर मतलब मैंने रीटेक वगैरह लिया था, तो फाइनल टेक मेरा यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ से मैं इससे पहले स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हो एग्जैक्ट कहाँ से स्प्लिट करना है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ टाइम। तो देखो यहाँ तक मेरा रीटेक हुआ था, तो फिर यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। अभी सिर्फ वीडियो स्प्लिट हुआ है, तो इसको भी इस पर क्लिक किया ऑडियो पे, तो इसको भी स्प्लिट किया और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो मेरा अब यहाँ से इंट्रो स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो ये हमारा हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके अलावा इधर जो मैंने बोला था ना वो रीटेक हुआ था, तो इसके लिए इधर से भी स्प्लिट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ मेरा ऑडियो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हमने इसको किया और इसको डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपना इंट्रो, क्योंकि मेरे वीडियो का फॉर्मेट ये है कि पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ किस बारे में वीडियो है, उसके बाद मेरा इंट्रो होता है, फिर जाके मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। तो ये इंट्रो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको ना मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये इंट्रो परफेक्टली यहाँ पे लगे, फ्रेम बाय फ्रेम पूरा चिपक गया। ठीक है, अगर जूम करके नहीं लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में एक आध फ्रेम जो है ब्लैक यहाँ पे छूट जाता है और वो ब्लैक रह जाता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिल्मोरा 9 में। तो ये मैंने जूम करके इसको लगा दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम किया। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला क्लिप इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे ये वाला देखो ये वाला क्लिप लाया और इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब सेम इस क्लिप का जो है मैंने ऑडियो जो एडिट करके रखा है उस ऑडियो को यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये ऑडियो देखो यहाँ पे ग्राफ देखो ये ऑलरेडी मैच हो चुका है, अब इसको भी मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कलर्स में जाता हूँ, मेरा जो प्रीसेट है उसको यूज़ कर लेता हूँ मैं, कस्टम में जाके डबल क्लिक किया और ये इसका कलर करेक्शन हो गया। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इतना कलर वलर पे, जो मेरा प्रीसेट बना हुआ है उसको ही यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके बाद इसको टाइमलाइन को थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखता हूँ मेरा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो ठीक है, आगे देखता हूँ वही चीज़ यहाँ पे भी है क्या। तो देखो ये वाला सेम चीज़ यहाँ पे भी है, मतलब मैंने ये वाला जो है रीटेक लिया था, तो इसको पीछे वाला कट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऑडियो भी कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये करके उसके बाद हमने इसको दोनों को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब देखो हमारा वीडियो, तो ये हमारा यहाँ तक परफेक्टली है। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे कट करेंगे। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको देखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस वीडियो में मैंने 5 टिप्स दिए थे, तो ये पहला टिप्स था, अब दूसरा वाला टिप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मैं देखता हूँ। तो
अभी ये वाला देखता हूँ, ये ऑडियो के हिसाब से मैं देखता रहता हूँ। ये देखो ये है ना ऑडियो, तो यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला है। तो नेक्स्ट वाला ऑडियो यहाँ से मेन स्टार्ट है, तो देखते हैं यहाँ पे टिप्स नंबर 2 के बारे में है या 3 के बारे में। अगर 2 के बारे में होगा तो मतलब ये वाला जो है मैंने रीटेक लिया होगा, और अगर 3 के बारे में होगा तो मतलब ये मेरा फाइनल क्लिप होगा, तो मैं इसको रखूँगा। हाँ तो ये मैं 3 के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला जो क्लिप है ये मेरा ओरिजिनल क्लिप है, इसको मैं यूज़ करूँगा। जब आपने पहला, तो यहाँ पे मैं कट लगाता हूँ, ठीक है, इधर कट लगा दिया। तो अभी देखो, ताकि आपको नया टॉपिक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी आप वीडियो बनाने जाओ तो आपके सामने टॉपिक पहले से ही हो। टिप्स नंबर 2, तो ये मैंने दो क्लिप को यहाँ पे जोड़ा, बीच में से मैंने स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन यूज़ करूँगा, और मैं नॉर्मली कौन सा ट्रांजिशन यूज़ करता हूँ, ये वाला ट्रांजिशन। तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊँगा, थोड़ा जूम करते हैं, तो ये ट्रांजिशन बीच में लगाना है हमें दोनों के, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो ये देखो। और यहाँ पे ना हम ऑडियो, मैंने जो इंपोर्ट किया था मीडिया में, जो ट्रांजिशन के लिए ऑडियो मैंने इंपोर्ट किया था, वो ऑडियो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। हाँ ये वाला ऑडियो ट्रांजिशन के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे यूज़ करूँगा, बीच में लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, और इसको ना ट्रांजिशन को ज़्यादा टाइम तक ऐसे अगर रखा तो ज़्यादा टाइम तक ये धीरे धीरे जाएगा ऐसे करके। तो मैं चाहता हूँ ये ट्रांजिशन थोड़ा तेज चले, तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ऑडियो के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो इस तरह से ऑडियो और ट्रांजिशन पूरा मैच हो गया। अब ये इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये टिप्स नंबर 2 यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे टिप्स नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब टिप्स नंबर 3 वाला क्लिप देखेंगे कहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा, देखता हूँ। हाँ तो ये वाला जो क्लिप है ये मेरा फाइनल क्लिप है 3 का, टिप नंबर 3 का। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, पहले वाला जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट किया, और यहाँ पे और यहाँ तक टिप नंबर 3 है। तो इसको कट किया यहाँ पे, और ये कट के लिए ना यहाँ पे शॉर्टकट है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो कट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं ट्रांजिशन यूज़ कर लेता हूँ, सिंपली वही वाला यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर मैं अपना ऑडियो लगाता हूँ, और इस ट्रांजिशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देन अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी टिप नंबर 4 कहाँ से है ये देखो, ये वाला 5 शायद बोल रहा हूँ, तो ये वाला 4 का फाइनल क्लिप है। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस, तो ये वाला क्लिप यहाँ से किया और इसको कट कर दिया जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और यहाँ पे फिर मैंने ट्रांजिशन लगाया। ट्रांजिशन आप नहीं भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं लगाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है ट्रांजिशन लगाना हर बार, ये बस मैं उस ज़्यादातर वहाँ पे लगाता हूँ जब
अलग अलग मतलब पॉइंट वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वाला ऑडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया नीचे। और इस ट्रांजिशन को और छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अब ये फिफ्थ टिप्स आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक क्लिप था, इसके अलावा जो बाकी है सब एक्स्ट्रा था उसको हटाते हैं। अब लास्ट वाला क्लिप जो है मेरा आउट्रो है, मतलब जिसमें मैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए बोलता हूँ, तो उसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये इजीली यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे जूम करके इसका ऑडियो जो है ये वाला वो भी ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको म्यूट कर देता हूँ और देन इसको यहाँ पे मैं कलर वैसे ही कर देता हूँ, अपना जो लगाया मैंने प्रीसेट वही वाला लगाता हूँ। और प्रीसेट अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे क्या है, इसका ऑडियो लेवल ना यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, जो हम ऑडियो डाल रहे हैं उसका लेवल यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, डबल कर सकते हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले ही मैं इसको कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऑडासिटी में इसको ऑडियो को एडिट किया है, उस टाइम पे ही मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल है उतना ही छोड़ देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो, इसको जूम आउट करो, मेन मेरा जो फाइनल आउट्रो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कट लगाया और इधर भी ये डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपली यहाँ तक बोला है मैंने। और एक सेकेंड, तो यहाँ पे कट किया और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दिया। और देन मैं ये फाइनल आउट्रो लगाता हूँ जिसमें कि मेरे नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट होते हैं। तो इसको मैं जूम कर दिया टाइमलाइन को और थोड़ा और जूम करो, और यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ। अभी ये जो आउट्रो है ना, ये मैंने 20 सेकेंड का बनाया था, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाता हूँ और इसको ना 10 सेकेंड ही कर देता हूँ, ड्यूरेशन जो है इसको 10 सेकेंड कर देता हूँ। और इसको ना मैं यहाँ पे रिवर्स स्पीड कर देता हूँ। इससे क्या होता है, अभी देखो ये प्ले करो, तो ये सारे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स स्पीड नहीं करता हूँ, ओरिजिनल में ये नीचे से ऊपर जा रहे थे, अभी देखो प्ले, तो ये देखो इधर उधर जा रहे थे ना, नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो मैं इसलिए इसको रिवर्स स्पीड करता हूँ, तो ये ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिवर्स स्पीड, ओके, ये सारा हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे म्यूजिक है हमारा, ये लगा देता हूँ। ये नेक्स्ट वाले टाइमलाइन में देखो, मैं म्यूजिक को इस वाले टाइमलाइन में लूँगा नेक्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे मैंने इफेक्ट डाल रखे हैं साउंड के, वो उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, वो जहाँ पे है वहीं पे है। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका साउंड अगर मुझे कम करना है, जैसे एक बार प्ले करके देखता हूँ, तो ये पहले तो ये यहाँ पे कट कर देता हूँ, यहाँ पे वीडियो ख़त्म है, तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहना चाहिए, जितना वीडियो है उतने तक रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे म्यूजिक का साउंड कम करना है, अगर म्यूजिक ज़्यादा लाउड है, तो यहाँ से ऐसे ड्रैग करके कम कर सकते हैं साउंड को,
या फिर आप इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी साउंड को कम कर सकते हैं डेसिबल में, ठीक है। ये माइनस में, नॉर्मली 0 पे होता है, अगर हम कम नहीं करते तो ये इसको माइनस में ले जा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, 12 तक ले जा सक 12 तक ले जा सकते हैं, और घटाना चाहें तो बहुत दूर तक घटा सकते हैं उसमें, कोई देखो ऐसे करके घटा सकते हैं। तो अपने हिसाब से जितना म्यूजिक का साउंड रखना हो उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा फिक्स हो गया है, इसके बाद म्यूजिक मैंने यूज़ कर लिया है और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो अभी ये वाला चीज़ मेरा ना एडिट हो चुका है, अब मैं नहीं चाहता कि यार गलती से इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इस सारे को ना मैं लॉक कर देता हूँ टाइम लाइन्स को, ठीक है। तो यहाँ तक यूज़ कर लिया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो हमारा सब्सक्राइब वाला है वो आता रहे बीच बीच में, और उसके बाद मेरा सोशल मीडिया का भी हैंडल आता रहे। तो ये सब्सक्राइब वाला मैंने ग्रीन स्क्रीन में बना रखा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्ले करता हूँ तो कैसा आएगा। तो ये है, अभी मैं इसको क्रोमा की लगाऊंगा, ग्रीन वाले पार्ट को हटा दूंगा। तो इस डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्रोमा की का आता है, और डबल क्लिक नहीं करना है तो ये वाला भी चीज़ क्रोमा की के लिए है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन के लिए बेसिकली। तो यहाँ से भी जा सकते हैं या डबल क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे क्रोमा की पे टिक किया, और यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन सेलेक्टेड है, बट ग्रीन यहाँ पे वाला ग्रीन और यहाँ पे जो मेरे वीडियो में हो सकता है वो डिफरेंट हो, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ से पिक कर लेता हूँ अपना ग्रीन जो हमारे स्क्रीन पे है। और ये सारा को मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, बट ये वाला जो है ना एज फेदर इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको रीसेट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो अब मैं प्ले करता हूँ तो कैसा आता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हट गया, ये मेरे वीडियो के ऊपर आ गया। इसी तरह मैं इसको बीच बीच में दो तीन जगह लगा देता हूँ, दो तीन चार पाँच जितना जगह मुझे लगाना हो उस टाइप से। मैं इसको क्रोमा की पे गया और इसको रीसेट कर दिया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और मैं चाहता हूँ बीच बीच में सोशल मीडिया का भी आता रहे, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे टाइटल वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे मैंने ना कस्टम अपना बना रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सबका, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको अगर प्ले करूँ मैं तो ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो बस इसको मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ टाइम लाइन पे, जैसे ट्विटर मतलब इंस्टाग्राम लगाया, फिर मैं ट्विटर लगा देता हूँ, फिर मैं यूट्यूब लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे फेसबुक लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो कैसे आएगा। तो ये मैंने कस्टम पहले से ही बना रखा है इसमें, और मैं कुछ नहीं करता। और ये सब कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब भी अगर आप पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगा किसी वीडियो में। फेसबुक का भी लगाया था, तो अभी इंस्टाग्राम लगाते हैं, फिर ट्विटर, मैं चारों को इक्वली यूज़ करता हूँ, और अगर कहीं एक्स्ट्रा बचता है तो इंस्टाग्राम को यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से, और ये वाला जो है ना ये दूसरे चैनल का मैंने बना रखा है, शहजादा की दुनिया वाले का, इसमें मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ही चीज़ यूज़ करता हूँ। ये वाला मेरे टेक्निकल चैनल का है, तो ये तीनों इधर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने पता नहीं कौन सा यूज़, हाँ फेसबुक का यूज़ किया, फिर इंस्टाग्राम, और फिर ट्विटर लास्ट में लगा दो, या अपने हिसाब से जो भी मन करे वो लगा दिया। तो अभी मेरा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ नहीं करना चाहता बेसिकली। तो ये सारा कुछ हो गया है, मैं इतना ही करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट में सेटिंग वगैरह अपना चूज कर सकते हैं, रेजोल्यूशन किस रेजोल्यूशन में करना है, किस फ्रेम रेट में करना है एक्सपोर्ट आपको, वो सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में गए तो यहाँ पे आप कौन सा एनकोडर यूज़ करना है, बेसिकली ये वाला सबसे बेस्ट होता है। बाकी ये रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बिट रेट क्या होना चाहिए, साउंड कौन सा होना चाहिए, और ये सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। और यहाँ से क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट ये कर सकते हैं, तो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बेस्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी ये सारा मैंने फुल HD सेलेक्ट कर रखा है, 24 FPS सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये करने के बाद और ऑडियो बिट रेट मैंने 320 कर रखा है, ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कैंसिल किया, और जो मेरा सेटिंग ऑलरेडी पहले से डन है, तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने वीडियो का जो भी नाम रखना है वो नाम रख दिया, जैसे ये यूट्यूब के बारे में था तो यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब टिप्स नाम रख दिया। और उसके बाद सिंपली मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अब रेंडरिंग पे चला गया, अब ये रेंडर होगा और उसके बाद मुझे फाइल मिल जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 20-25 मिनट तो लग ही जाता है अगर वीडियो बड़ा हो तो, छोटा हो तो 10-15 मिनट में भी हो जाता है। तो ये रेंडरिंग होने लगा, रेंडर होके यहाँ पे एक बटन आ जाएगा फाइंड टारगेट, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस फाइल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको वीडियो रेंडर होके मिला है, मतलब फाइनल वीडियो जहाँ पे मिला है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको खोल के बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाओ, Filmora 9 में जाओ और यहाँ पे आउटपुट का बटन, आउटपुट का फोल्डर है इस पे जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे फाइल मिलेंगे जो भी आपने एक्सपोर्ट किए होंगे अभी तक। तो अभी जो फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है वो ये वाला फाइल है, देखो यूट्यूब टिप्स। ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी पूरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तो फिर ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे आ जाता है, जैसे BBB देन C देन DEF ऐसे करके। तो यह Y जहाँ पे होगा वहाँ पे ये आ जाएगा एक्सपोर्ट होके। तो गाइज अभी आपने देखा कि मैं अपने YouTube वीडियोस को किस तरह से एडिट करता हूँ, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। और भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार देर किस बात की, इंस्टाग्राम पे जाओ मुझे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।